आप कह रहे हैं उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो बिहार की गरीबी सबसे नंबर वन पे क्यों है? जिस आदमी के नाम दिए गए हैं टेस्टिंग में, उसका कोई टेस्टिंग नहीं हुई, 70-75% लोगों की कोई टेस्टिंग नहीं हुई, बड़े पैमाने पर गमन हुआ, इसमें इंक्वायरी की ज़रूरत है, 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए, ज़रूरत होगा तो हम अखबार के उस जो चीज़ें आई हैं उसके माध्यम से हाईकोर्ट में PIL फाइल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूं वसीम खान, जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव, आप देख सकते हैं दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। पप्पू यादव जी, आपने लगातार सवाल भी उठाया है, मंत्रिमंडल में जो मंत्री चुने गए हैं वो कई दागी हैं, क्या 5 साल ये सरकार चले? हम नहीं कह रहे हैं दागी है, 67% मंत्री कैसा है, इन्होंने अखबार दे दिया है, आप उनसे पूछिए कि क्या दिया है क्या। अब हमसे आप क्यों बात करते हैं, सरकार उनको चलाना है। मैं ये समझता हूँ कि अच्छे लोगों की ज़रूरत है, नीतीश कुमार जी मिले हैं प्रधानमंत्री से, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी फैक्ट्रियाँ खुले, रोज़गार पर बिहार को सौगात दिए दें, मक्का पर आधारित उद्योग की बात करें, मिथिला कोसी सीमांचल की जो स्थिति है उसके पैकेज की बात करें, विशेष राज और विशेष पैकेज की बात हो, रीगा चीनी मिल बंद होगी उस पर क्या चर्चा हुई, 1 घंटा आपने बातचीत की, तो बिहार के संदर्भ में जो हालात हैं बिहार के पलायन का और रोजगार का, आप अंतर्राष्ट्रीय PMCH की आप बात करते हैं, डॉक्टर और नर्स आप ही खुद कहते हैं कि कोई सुविधा है ही नहीं बिहार में, मुजफ्फरपुर में नहीं है, जहां आपने पहले कहीं पर मधेपुरा में कहीं भी खोला वहाँ ना डॉक्टर है, ना एम्बुलेंस है, ना ICU है, ना अल्ट्रासाउंड है, ना CT स्कैन है, आप किस अंतर्राष्ट्रीय की खोलने की बात आप कर रहे हैं? आप कह रहे हैं उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो बिहार की गरीबी सबसे नंबर वन पे क्यों है? बिहार का जो बजट एक पर व्यक्ति कैपिटा इनकम है वो सबसे कम क्यों है? तो बिहार में एजुकेशन के लिए जो लोग बाहर जाते हैं 20,000 करोड़ रुपया देते हैं, क्या प्रधानमंत्री के मुलाकात के बाद क्या वो एजुकेशन बिहार के जो लोग बाहर जा रहे हैं बिहार में करेंगे? तो ये परिस्थितियां हैं, इसमें मैं सिर्फ इतना बात करना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी, मैं चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार है और बिहार का जो पुराना मुद्दा है फैक्ट्री का, पलायन के रोकने का, विशेष राज का, विशेष दर्जा का और कृषि पर आधारित उद्योग का, और उसमें चीनी मिल से लेकर सारे मिल बंद हैं, उस पर विशेष पैकेज मिलना चाहिए, और ये आपको इस बार भरे दृष्टि से देख रहा, आप कितने ख़राब है या कितने अच्छा है ये सवाल नहीं है, और पब्लिक के लिए अब ये मुद्दा नहीं है कि कौन अपराधी है, कौन माफिया है, आप किसी को बनाए अब ये एजेंडा ही नहीं रह गया। 5 साल सरकार चलेगी या नहीं पप्पू यादव भैया, ये तो जनता बताएगी और नीतीश जी बताएंगे, मोदी जी बताएंगे। जिस तरह की विचारधारा वाले सरकमस्टेंसेस और जितनी कम संख्या पर हो रहा है और आंतरिक मतभेद BJP के अंदर भी और JDU के अंदर भी, ये दलों के भीतर जो आंतरिक मतभेद है, मुझे लगता है कि ये बहुत लंबा नहीं चलने देगा। लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, तो मुद्दा अपराध माफिया ये तो आप छोड़ दीजिए भैया। अच्छा, आप लगातार सवाल, अपराधी माफिया होगा वही सब कुछ बनेगा। आप लगातार सवाल उठाते रहे कि कोरोना में टेस्टिंग के दौरान बड़े पैमाने पर जो है घोटाले हो रहे हैं, आज क्या है? आज तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया और आपने भी सवाल उठाया। मैं बहुत क्लियर था, मैंने पहले ही कहा था कि इसमें कहीं भी इंडियन एक्सप्रेस, बड़े बड़े अखबारों ने जो छापा है और उसमें साफ शब्दों में कहा कि टेलीफोन नंबर वो नहीं है, सभी लोगों से पूछा गया, बड़े बड़े स्कूल के टीचर से, हेडमास्टर से, गांव में जाकर कि कहीं भी आदमी का नाम नहीं है, जिस आदमी के नाम दिए गए हैं टेस्टिंग में उसका कोई टेस्टिंग नहीं हुई, 70-75% लोगों की कोई टेस्टिंग नहीं हुई, बड़े पैमाने पर गमन हुआ, इसमें इंक्वायरी की ज़रूरत है, 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए, ज़रूरत होगा तो हम अखबार के उस जो चीज़ें आई हैं उसके माध्यम से हाईकोर्ट में PIL फाइल करेंगे कि कोरोना के समय जिस तरीके से बिना टेस्टिंग के, एक तो सबसे बड़ा बात ये है कि आपने लूटा तो लूटा, आपने बिहार के आम जनता को मरने पर छोड़ दिया था, कोई टेस्टिंग नहीं हुई,
और उसके बाद 2 लाख कोरोना जबरदस्ती कह दिए मात्र है, तो टेस्टिंग हुई नहीं तो 2 लाख हुआ कहाँ से? और दूसरी बात, टेस्टिंग हुई नहीं तो कितना हुआ इसका भी तो असर नहीं पड़ा। ये तो भगवान की असीम कृपा थी कि हम प्रभावित नहीं थे। हम तो इसमें इंक्वायरी आवश्यक है। जो सेक्रेटरी हैं इस विभाग के, सिविल सर्जन है, जो पदाधिकारी है, उस पर इंक्वायरी हो और उनकी संपत्ति की जांच हो। तो ये थे जाप अध्यक्ष पप्पू यादव, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कोरोना के वक्त जो टेस्टिंग चल रही थी उसमें पहले भी वो आवाज़ उठाते रहे हैं और आज भी उन्होंने ट्वीट किया है, और साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि वो हाई कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।